हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफएम इलेक्ट्रिकल्स। आज इस वीडियो में आप जानने समझने वाले हैं कि इलेक्ट्रिकल वर्क को कैसे चेक करते हैं। कोई भी इंजीनियर या फिर प्रोजेक्ट इंजीनियर या साइट इंजीनियर जब साइट पे जाता है तो उनकी जो नज़र है वो किसी भी वर्क एक्टिविटीज़ को वो किस नज़रिए से देखते हैं, किस नज़रिए से वो चेक करते हैं, तो आपको पॉइंट बाई पॉइंट इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो आप स्टार्ट से इन तक इस वीडियो को फुल वॉच करें और आपकी जो सारी डाउट्स हैं आपको क्लियर हो जाएंगी। ये वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो अभी फ्रेशर है या फिर अभी नए ज्वाइन किए हैं किसी कंपनी को। तो जब वो साइट पे जाएंगे तो अगर उनको ये सारे पॉइंट्स अगर पता होगा पहले से तो वो इजिली वे में साइट का इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं कि किस तरह से हम किसी भी साइट की इंस्पेक्शन करते हैं। तो हमने एक चेकलिस्ट बनाया है जिस चेकलिस्ट के थ्रू आप सारे पॉइंट्स आपके कवर हो जाएंगे और आप सारे पॉइंट्स चेक कर पाएंगे साइट पे। तो एक्टिविटीज़ वाइज मैंने चेकलिस्ट बनाई है। ये चेकलिस्ट हमने बनाई है कंटेनमेंट वर्क के लिए। जैसे कि अगर आपको वायर पुलिंग करना है, अगर इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात की जाए और आपकी आपको वायर पुलिंग करना है तो सबसे पहले आपको पाइप्स ट्रंकिंग ट्रे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यह जो चेकलिस्ट है स्पेशली है कंटेनमेंट वर्क के लिए। इससे ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम है, तो आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम मेंशन करना होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइटल में यहाँ पे यह चेकलिस्ट जिस वर्क डिस्क्रिप्शन के लिए है वो डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे डालना है। तो ये चेकलिस्ट कंटेनमेंट वर्क्स के लिए है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जीआई कंडूट लिखा हुआ है। जीआई बोले तो स्टील कंडूट, और पीवीसी कंडूट भी आता है मार्केट में। आपकी जहाँ पे एप्लीकेशन एरिया है उसके अकॉर्डिंगली आप जीआई कंडूट या पीवीसी कंडूट लगा सकते हैं। अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है जीआई कंडूट की तो आप जीआई कंडूट ही लगाएं। उसके बाद केबल ट्रे ट्रंकिंग, केबल ट्रे पावर केबल आर्मर केबल के लिए यूज किया जाता है जो बड़ी साइजेस में आती है, और ट्रंकिंग हम लोग स्मॉल पावर के लिए यूज कर सकते हैं या फिर कैट सिक्स केबल्स के लिए, ईएलवी सिस्टम के लिए, फायर अलार्म सिस्टम के लिए। तो ट्रंकिंग स्पेशली एक स्क्वायर टाइप का डक्ट इसको बोल सकते हैं जिसमें ये सारी केबल पुल कर सकते हैं। अगर बात किया जाए अगर 5-6 वायर है तो आप कंडूट में पुल कर सकते हैं, लेकिन अगर ह्यूज क्वान्टिटी में अगर वायर पुलिंग करना है तो आप उसके लिए आपको 50 कंडूट आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए एक ट्रंकिंग वो भी स्टील की बनी होती है, स्क्वायर टाइप की बनी होती है, जिसकी साइजेस 50x50 की हो सकती है, 75x75 mm की हो सकती है, 100mm x100mm की हो सकती है। इसकी जो साइजेस है वो वायर नंबर ऑफ वायर कैलकुलेशन के हिसाब से सेलेक्ट किया जाता है। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो अभी हम इस पर फोकस करते हैं कि चेकलिस्ट क्या क्या है जिसके थ्रू इंजीनियर साइट पे साइट इंस्पेक्शन करता है, वर्क इंस्पेक्शन करता है। तो आइए चलते हैं। यहाँ पे एक रिफरेंस डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, ये जो वर्क रिलेटेड जो ड्राइंग है उसका रिफरेंस नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद WIR नंबर, ये आपकी कंपनी बता देंगी कि यहाँ पे क्या भरना है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में चलते हैं। तो फर्स्ट एक्टिविटी में क्या चेक करना है, चेक द लेटेस्ट अप्रूव्ड एज बिल्ट सॉफ्ट ड्राइंग इज अटैच्ड। इट मींस जो वर्क रिलेटेड जो ड्राइंग है एज बिल्ट बोल, एज बिल्ट का मतलब हुआ कि वर्क कंप्लीशन के बाद जो भी चेंजेज हुआ वो पूरा इनकॉर्पोरेट करके उसके बाद जो फाइनल ड्राइंग बनाई जाती है एज पर साइट कंडीशन, उसे एज बिल्ट बोलते हैं। मींस एज वर्कड द सेम यू हैव टू पुट इन द ड्राइंग, उसको एज बिल्ट बोला जाता है। उसके बाद सॉफ्ट ड्राइंग होता है उसे बोलते हैं जिसमें सारी डायमेंशन और पूरा क्लियर तरीके से बनाया जाता है ड्राइंग, जिस ड्राइंग के थ्रू आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। मींस आपको डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया, सॉफ्ट ड्राइंग उसको बोलते हैं जिससे आप काम स्टार्ट करते हैं, और एज बिल्ट उसको बोला जाता है जो काम खत्म हो जाने के बाद जो जो चेंजेस आए वो सारे एग्जैक्ट आपने ड्राइंग में डाल के और ड्राइंग बनाया तो वो एज बिल्ट होता है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है चेक द मटेरियल यूज इन द इंस्टॉलेशन इज एज पर द अप्रूव्ड मटेरियल टेक्निकल सबमिटल। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप साइट पे मटेरियल यूज कर रहे हैं वो अप्रूव्ड मटेरियल है या नहीं है। अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है जिस ब्रांड की मटेरियल लगानी है सेम ब्रांड आपको यहाँ पे भी चेक करना है।
ताकि कॉन्ट्रैक्टर ने कोई दूसरा ब्रांड का मटेरियल तो नहीं लगा दिया। तो उसके लिए जब प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो मटेरियल सबमिटल अप्रूवल के लिए हम लोग डॉक्यूमेंट भेजते हैं, जिसमें मटेरियल की फुल डिस्क्रिप्शन होती है और उसका अप्रूवल कॉपी होता है। तो उस अप्रूवल कॉपी से आपको यहाँ पे मैच करना है साइट पे कि जो मटेरियल यहाँ पे साइट पे यूज हुआ है वो सेम ब्रांड का है या नहीं है। तो अगर है तो यहाँ पे आप टिक लगा दें। अगर अप्रूव्ड लेटेस्ट अप्रूव्ड एजिबल सॉफ्ट ड्राइंग अटैच है तो यहाँ पे आप टिक लगा दें। उसके बाद थर्ड नंबर में आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है चेक ऑल बर्स रफ एजेस कॉस्ट ड्यू टू एनी कटिंग शुड रिमूव फिनिश्ड स्मूथ एंड अप्लाइड अप्रूव्ड जिंक पेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम कंडूटिंग करते हैं, पाइपिंग करते हैं या फिर ट्रंकिंग या ट्रे लगाते हैं, तो उसमें बहुत सारे कट पीसेस होते हैं। उसकी कटिंग करके उसको बेंड बनाया जाता है, अपसेट बनाया जाता है। तो जो कटिंग करने के बाद जो अब स्टील है, स्टील का जो कटिंग के बाद जो एज आएगा वो रफ आएगा। तो रफ एजेस से क्या होगा, जब वायर पुलिंग के टाइम में अगर उस रफ एजेस के पास अगर वायर अगर जाता है तो उसका इंसुलेशन डैमेज हो जाता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो रफ एजेस है उसको स्मूथ बनाना है और उस पे अप्रूव्ड जेक जिंक पेंट लगाना है। अप्रूव्ड जिंक पेंट लगाने से कोरोशन कोरोजन की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाती है। उसके फोर्थ नंबर पे है चेक द केबल कंटेनमेंट सिस्टम इज सपोर्टेड 1 मीटर इन हॉरिजॉन्टल रन्स, 1.5 मीटर इन वर्टिकल रन्स एंड विद इन 150 mm फ्रॉम ऑल बेंड्स टीज एंड इंटरसेक्शन। यहाँ पे चेक करना है क्या कि देखिए कंटेनमेंट मींस कंडूटिंग हो गया, ट्रे हो गया, ट्रंकिंग हो गया। तो आपको दो वे में आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, या तो वर्टिकल या तो हॉरिजॉन्टल। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल अगर इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसकी जो हैंगर सपोर्ट है वो आपको जो मिनिमम है 1 मीटर पे आपको देना ही पड़ेगा, मैक्सिमम 1 मीटर पे देना पड़ेगा आपको। 1 मीटर से ज़्यादा हो जाने से ज़्यादा गैप हो जाएगा, उसकी स्ट्रांगनेस खत्म हो जाएगी। और अगर वर्टिकल रन्स की बात करें तो 1.5 मीटर मैक्सिमम होनी चाहिए। और अगर उस कंटेनमेंट की बेंड्स आ रही है या टीज यानी तीन पाइप से या तीन ट्रंकिंग ट्रे कनेक्ट किया गया है, तो उस टीज या बेंड और इंटरसेक्शन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस है सपोर्ट की 150 mm होना चाहिए, उससे ज़्यादा पर एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये भी इंजीनियर चेक करते हैं। उसके बाद फिफ्थ नंबर में है चेक दैट द 8 mm डाया स्टील थ्रेडेड रॉड एंड इन यूनि स्ट्रट चैनल आर यूज फॉर हैंगर सपोर्ट ऑफ केबल कंटेनमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रे ट्रंकिंग के लिए जो हमने 8 mm डाया की जो स्टील थ्रेड रॉड यूज किया है वो 8 mm की है या नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है। 10 mm के भी यूज किया जाता है लेकिन उसमें हैवी लोड के लिए यूज करते हैं, जैसे बड़ा सा आर्मर केबल है, हैवी केबल है, तो उसके लिए केबल ट्रे के लिए 8 mm यूज किया जाता है। नहीं तो जनरली ट्रंकिंग के लिए या फिर स्मॉल ट्रे है तो उसके लिए 8 mm स्टील थ्रेडेड रड ही यूज करते हैं। और यूनिस्ट्रट चैनल उसको बोलते हैं कि थ्रेड रड हैंग करने के लिए होता है। फिर जो नीचे जो सपोर्ट डालते हैं जिसके ऊपर ट्रे ट्रंकिंग रखेंगे तो उसको यूनिस्ट्रट चैनल बोलते हैं। तो वो भी चेक करना है उसकी साइजेस वगैरह परफेक्ट है या नहीं है। उसके बाद सिक्स नंबर पे आती है चेक डैट स्टील स्क्रूज यूज इन फिक्सिंग द केबल कंटेनमेंट टू द सपोर्ट सिस्टम इज रूफिंग मशरूम बोल्ट। ये रूफिंग मशरूम बोल्ट आप गूगल पे लिखेंगे तो आ जाएगा, ये एक टॉप में आपको एक फैला हुआ नजर आएगा। तो ये जनरली केबल कंटेनमेंट के लिए यूज किया जाता है, ये जब इससे जब फिक्स करते हैं तो ये कम्प्लीटली अच्छे तरीके से फिक्स हो जाता है। तो ये मशरूम बोल्ट और रूफिंग नट बोल्ट यूज हुआ है या नहीं हुआ है ये भी चेक कर लेना चाहिए, ताकि अगर केबल ट्रे या ट्रंकिंग की जो ज्वाइंट है वो प्रॉपरली फिक्स्ड है या नहीं है, या फिर अगर किसी हैंगर सपोर्ट पे अगर इसको इंस्टॉल किया गया है तो बराबर फिक्स है या नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि फिक्स ना होने के कारण लूज होता है, और केवल पुलिंग के टाइम में ये आगे पीछे हो जाने की वजह से ये डैमेज भी हो सकता है। तो आपको ये भी देखना है।
उसके बाद सेवेंथ नंबर पे है चेक स्टील स्क्रूज वॉशर्स इट इज यूज इन द फिक्सिंग ऑफ केबल कंटेनमेंट आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट कोरोजन यूजिंग जिंक कोटिंग। इसका मतलब ये हुआ कि जिंक कोटिंग एक पेंट है जो कोरोजन के अगेंस्ट काम करता है, जिससे कोरोजन नहीं होती। तो वो वॉशर स्क्रूज है वो भी अप्रूव्ड वन होना चाहिए ताकि वो लंबे समय के बाद वो जल्दी खराब ना हो। एट नंबर पे है चेक फॉर द वार्निंग साइन प्रोवाइडेड एज पर द रिक्वायरमेंट। वार्निंग साइंस का मतलब यह हुआ कि जीआई कंडूट है तो वो तो क्लियर पता चल जाता है कि इसके अंदर वायर सी होगी, लेकिन जब ट्रे और ट्रंकिंग की बात की जाए तो ट्रंकिंग में आपको सिर्फ इलेक्ट्रिकल वायर सी नहीं जाती, उसमें कभी कभी हम लोग अदर सर्विसेज के लिए भी यूज करते हैं, लाइक फायर अलार्म सर्विसेज, ईएलवी सर्विसेज, टेलीफोन डेटा सर्विसेज और सीसीटीवी सर्विसेज। तो इन अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग ट्रंकिंग साइट पे होती है, तो हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे कौन सा ट्रंकिंग किसके लिए है, तो उसके लिए एक स्टिकर लेबल लगा दिया जाता है ट्रंकिंग पे। अगर ये ईएलवी केबल्स के लिए है तो ईएलवी केबल्स का स्टिकर पेस्ट कर दिया जाता है ट्रंकिंग पे, अगर ये पावर केबल के लिए है तो पावर केबल स्टिकर पे टाइप करके उसके बाद पेस्ट कर दिया जाता है, तो ये आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, तो ये भी इंजीनियर चेक करते हैं। नाइन्थ नंबर में आते हैं चेक द रूट आर एच पर द इंडिकेटेड ऑन द लेटेस्ट अप्रूव्ड कंस्ट्रक्शन ड्राइंग। इसका मतलब यह हुआ कि जो साइट पे रूट फॉलो हुआ है ट्रंकिंग या ट्रे के लिए वो एच पर अप्रूव्ड कंस्ट्रक्शन ड्राइंग के अकॉर्डिंगली है या नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि जब ड्राइंग बनाई जाती है तो अदर सर्विसेज की कोऑर्डिनेशन करके बनाई जाती है, कि अगर दूसरे सर्विसेज के पाइप्स अगर रन कराने हैं तो उसके लिए अलग जो स्पेस है फिक्स किया जाता है, उसके लिए रिजर्व किया जाता है। तो अगर आप दूसरे जगह से अगर आप रूट चेंज कर देते हैं तो फिर अदर सर्विसेज कहाँ से लेके जाएंगे, तो उसके लिए एज पर द ड्राइंग चेक किया जाता है रूट कि वैसा है या नहीं है, नहीं तो बाद में अदर सर्विसेज के साथ क्लैशेज होने की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद टेंथ में आते हैं, टेंथ में है चेक द कंडूट्स एंड फिटिंग्स आर ऑफ साइज एंड टाइप एज इंडिकेटेड इन द ड्राइंग एंड मैन्युफैक्चर पर एज पर स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो साइज ऑफ द कंडूट है और फिटिंग्स है और जो उसकी टाइप है वो किस हिसाब से इंस्टॉल किया गया है मैन्युफैक्चर के एज पर स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट या ड्राइंग के हिसाब से है या नहीं है, तो ये चीज़ें चेक की जाती है। ड्राइंग में जितनी साइज की कंडूट या उसकी कंटेनमेंट है सेम साइज का साइट पे भी होना चाहिए, तो ये भी इंजीनियर चेक करते हैं। उसके बाद 11th नंबर पे है चेक ऑल फील्ड वेंट्स आर फ्री ऑफ कट्स डेंट्स और फ्लैट्स। सेम थिंग मैं बताया आपको कि जो कंटेनमेंट का एरियाज है वो फ्री ऑफ कट्स होना चाहिए। जनरली क्या होता है कि अगर ट्रंकिंग की बात करें तो कहीं पे चिपका हुआ हो जाता है, डेंटिंग आ जाती है, तो और फ्री ऑफ कट्स होना चाहिए ताकि वायर पुलिंग के टाइम में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो उसकी इंसुलेशन डैमेज हो जाता है। 12th नंबर पे है चेक द, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, 12th पे है चेक द कट एंड्स ऑफ कंडूट्स आर रिम्ड टू रिमूव रफ एजेस। सेम थिंग है एक्चुअली, यहाँ पे हमने थोड़ा डबलिंग कर दिया है तो सेम ही है, जो रफ एजेस है उसको चेक करना है। चेक दैट देयर आर नो रनिंग थ्रेड ऑन कंडूट। अगर दो कंडूट के बीच में जो जब ज्वाइंट करते हैं तो थ्रेड जो है एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। उसके बाद 14 पे है चेक ऑल ज्वाइंट्स बिटवीन लेंथ ऑफ कंडूट एंड बिटवीन कंडूट कपलिंग फिटिंग एंड बॉक्सेज आर मेड बाय अप्रूव्ड मेथड्स। मींस जो इसकी स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन गाइड है उसके अकॉर्डिंगली इसकी जो कंडूट है, उसकी जो ज्वाइंट्स है, जो उसकी फिटिंग्स है, बॉक्सेज है, वो उस हिसाब से हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद 15 पे है चेक द कंडूट सपोर्ट्स आर अप्रूव्ड फिटिंग्स एंड स्पेसिंग ऑफ 1 meter फॉर हॉरिजेंटल। द सेम थिंग ये कंडूट्स के लिए है, जो ऊपर वाले जो हमने बताया है वो केबल ट्रे के लिए था। उसके बाद चलते हैं 16 में चेक द नंबर ऑफ बेंड्स इन ए रन ऑफ कंडूट बिटवीन पुल पॉइंट्स आर नॉट एक्सीड द इक्विवेलेंट ऑफ 2/4 बेंड्स इंक्लूडिंग बेंड्स लोकेटेड इमिडिएटली एट द बॉक्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पाइप रन करा रहे हैं, पाइप इंस्टॉल कर रहे हैं, तो
एक इंड से दूसरा जो इंड आती है, जैसे एक इंड आपकी डीबी वाले साइड की हो जाएंगी या ट्रंकिंग में हो जाएगी, और दूसरा वाला इंड किसी सॉकेट में जाएगा या फिर जो भी पावर पॉइंट है उसमें जाएगा, तो वो दोनों मीन्स कंड्यूट के जो बोथ साइड्स है उसके बीच में दो से ज़्यादा बेंड अलाउ नहीं है, दो बेंड से ज़्यादा अलाउ नहीं है, तो वो भी चेक करना होता है। उसके बाद 17th पे है, चेक द कंड्यूट रन इन ए स्क्वायर परपेंडिकुलर पैरेलल, द सेम थिंग मैं बताया आपको कि ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल कोई भी डायगोनली आप इसको रन नहीं करा सकते हैं, या कोई सर्विस है उसके पैरेलल में आप इसको रन कराए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए, वर्टिकल होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल में है तो बिल्कुल सीधा, डायगोनली कभी भी अलाउ नहीं है कंड्यूट की, तो वो भी चेक किया जाता है। 18 में है, चेक द कंड्यूट सिस्टम आर मैकेनिकली कंटिन्यूस एंड वाटर टाइट अप इंस्टॉलेशन, इसका मतलब यह हुआ कि जो ट्रंकिंग ट्रे है वो कंटिन्यूसली कनेक्टेड है या नहीं है, जैसे एक इंड बीच में कहीं पे गैप है, कनेक्ट नहीं किया हुआ, ज्वाइंट नहीं है, तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। 9th में है, 19 में, चेक द बॉक्सेज आर प्रॉपरली ओरिएंटेड फॉर द फिक्सिंग ऑफ वायरिंग डिवाइसेज, इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉकेट या कोई भी वायरिंग डिवाइसेज के अंदर लाइट स्विच सॉकेट्स कुकर यूनिट फ्लेक्स आउटलेट डीपी स्विच जो भी सारे वायरिंग एक्सेसरीज आते हैं, तो उसकी जो बैक बॉक्स हम लोग लगाते हैं तो बैक बॉक्स प्रॉपरली अलाइंड है या नहीं है, मीन्स स्ट्रेट है कि नहीं, वर्टिकल है या नहीं है, 90 डिग्री पे है या नहीं है, नहीं तो जब हम सॉकेट फिक्स करेंगे तो बाद में ये टेढ़ा दिखेगा, तो लुक वाइज प्रॉब्लम हो सकती है, इसकी वजह से उसकी बॉक्स की जो अलाइनमेंट है वो भी चेक किया जाता है। 20 में है, चेक फॉर द अर्थिंग एंड बॉन्डिंग एज पर द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ट्रे ट्रंकिंग है तो उसमें ज्वाइंट दो ट्रंकिंग के बीच का जो ज्वाइंट है या फिर ट्रे का जो ज्वाइंट है उसके बीच में अर्थिंग ब्रेडेड ब्रेडेड अर्थ प्लेट लगाते हैं या ज्वाइंट प्लेट लगा सकते हैं, और पैनल से अगर उसका कनेक्शन है ट्रंकिंग ट्रे की तो वहाँ पे भी अर्थिंग वायर कनेक्ट होना चाहिए अर्थिंग केबल के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इंजीनियर चेक करते हैं साइट पे। तो आई थिंक आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको सारे पॉइंट्स पता चल गया है नाउ। तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। एंड में आपको ये टेबल दिखेंगे, इस टेबल में साइट इंजीनियर क्यूसी इंजीनियर कंसल्टेंट ये तीनों के साइन होंगे, ताकि प्रूव हो जाएगा कि हमने इस वर्क को चेक किया है, तो साइन होने के बाद ये डॉक्यूमेंट अप्रूव हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।